उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। यमुनोत्री धाम में मंदिर के साथ ही यहाँ धर्मशाला और गर्म कुंड पर खतरा मंडराने लगा है। खबर आ रही है कि धाम में यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुनोत्री मंदिर समिति के साथ ही तीर्थ पुरोहित भी डरे हुए हैं। फिलहाल अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री धाम की सुरक्षा के नाम पर बीते 10 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च हो चुकी, लेकिन लीपापोती और खराब क्वालिटी के काम के चलते यहां हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। खास बात यह है कि साल 2013 की आपदा के बाद से यमुनोत्री धाम की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अतीत में देखें तो कालिंदी पर्वत के ठीक नीचे जो यमुनोत्री धाम है, चाहे बात 1982 की करें, 84 की करें, 2002 की करें, 2004 की करें, तो यहाँ लगातार पत्थर गिरने और नदी का जलस्तर बढ़ने से यहाँ गर्भगृह को नुकसान पहुँचने की घटनाएं हो चुकी हैं। 2004 में तो पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मंदिर के कैंपस में जो 6 लोग थे उनकी मौत हो गई थी। बात 2013 की करें तो वहाँ की मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा की गुहार लगाए जाने पर सरकार ने जरूर सिंचाई विभाग को सुरक्षा कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी थी, साथ ही साथ GSI और इसरो को भी यहाँ काम पर लगाया गया, उन्होंने अपना अध्ययन किया। 2013 जुलाई में उस वक्त के जिला अधिकारी के अनुरोध पर भूगर्भ और भूखनिक इकाई उत्तराखंड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के PK चंपतीरे और डॉक्टर SL चटर्जी ने कालिंदी पहाड़ का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था कि ये क्षेत्र भूस्खलन और बाढ़ के लिहाज से, पत्थर गिरने के लिहाज से काफी संवेदनशील है। समय रहते यहाँ समाधान किया जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।